चैनल काव्य की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, वीरवार का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 10:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मतलब 11 बजने में अभी कुछ टाइम बाकी है। तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, धैर्य के और उर्वी के। तो इसलिए आजकल छुट्टी जो है ना जल्दी हो रही है। तो छुट्टी जल्दी होने की मतलब कभी ओरल होता है ना तो 10 बजे हो जाती है वीरू की, तो धैर्य की। लेकिन रिटर्न पेपर होता है तो 11 बजे होती है। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे उनको जाना है लेने। तो पहले जाऊँगी धैर्य को लेने, फिर आज मुझे उर्वी को लेने भी जाना है क्योंकि आज जो है ना रिक्शा वाले भैया उर्वी के ना वो कहीं गए हैं, आज है नहीं। तो इसी वजह से आज मुझे खुद लेने जाना है उसको। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, बस अभी मैं निकल रही हूँ। 5 मिनट के बाद ही मैं पहले धैर्य को लाऊँगी। धैर्य को लेकर मैं घर पे छोड़ आई हूँ, उसको कपड़े वगैरह भी सब चेंज करा दिए थे और अभी 11:15 हो गए हैं। तो बस मैं निकल गई थी रिक्शा से। तो उर्वी के यहाँ पे ना रिक्शा से ही जाना होता है लेने, आप सबको पता ही है। और मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, मतलब कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये किनन मिनन वाली बारिश है ना, ये मतलब इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और इसी बारिश की वजह से हल्का हल्का मौसम में सुधार आ गया, मतलब ठंडा हो गया है मौसम, अब पहले जैसा गर्म नहीं रहा मौसम। पौने 12 बज गए। अब आई मैं तो धैर्य को लेके स्कूल से, उसको छोड़ के घर आई, फिर उसको लेने आई। आज रिक्शा वाले भैया थे नहीं, आज उसको ही जाना था शायद, इसी वजह से ना वो आ जाए। तो कल आएंगे, कल के लिए बोल रहे हैं कि कल आएंगे। तो अभी मौसम जो है ना, अभी बारिश किन मिन से हो ही रही है, पूरी तरह से खुला नहीं है मौसम, मेरे को कीचड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। बस अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। उनके एग्ज़ाम था ऐसा हुआ था, किस चीज़ का था? हिंदी का एग्ज़ाम था। और इसे फेस से लग नहीं रहा कि अच्छा गया, फेस से लग नहीं रहा ना अच्छा हुआ है। अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो देखियो, फिर बोल तो रही है कि बहुत अच्छा हुआ है, अब देखो कितना अच्छा हुआ है वो। तो जी बस उधर से आए तो लगा के ले लेते हैं समोसे। तो मौसम बहुत अच्छा था ना तो इसीलिए बस चाय बना ली है मैंने, और यहाँ पे जो है ना समोसों के पार्टीशन कर दिए हैं, तो मतलब आधे आधे सबको मिल गए। और ये स्पेशल एक समोसा ना धैर्य का है। अब एक एक समोसा मैं लेके आई थी, 3 समोसे। अब उसमें जो है ना आधा आधा हम सब ने ले लिया, आधा मैंने, आधा उर्वी ने, आधा काव्या ने, आधा रोहन ने। तो बस एक आया उसके हिस्से में, धैर्य के हिस्से में। और वो एक खाएगा भी या नहीं खाएगा वो उसको डिपेंड करता है उसके पेट भरने पे, तो मतलब बाद में पता चलेगा। तो जी बस चाय नाश्ता किया, उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैं बैठ गई थी करेले कट करने। तो आज जो है ना बनेगी करेले की सब्ज़ी। और करेले आए थे मंडे को, मंडे से आज मतलब थर्सडे हो गया है और अभी तक जो है ना करेले मतलब बनने का कुछ वो नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, करेले जो है ना 2 टाइम के लिए इजीली चल जाते हैं, तो अगर आप बनेंगे तो ये सुबह भी चल जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मुझे इनको कट करके रखना है। अब मैं ना इनको ऊपर से छील देती हूँ करेले को, और इसके बाद इनके जो अंदर के बीज वगैरह थे ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मैं कभी नहीं डालती हूँ करेलों में। तो उसी बस जो बाहर के करेले का जो बक्कल वगैरह बोलते हैं इसको, यही बस मैं यही यूज़ करती हूँ बस। क्योंकि बीज वगैरह एक बार डाले थे तो इसके पापा को ना समझ में नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, मतलब उन्होंने बोल दिया कि बीज वगैरह मत डाला करो, मुझे नहीं है पसंद इसी वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे करेले कट कर दिए, करीब से आधे किलो करेले थे ये। और अब सारों को ना मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद मैं इसमें हल्का सा नमक लगा के रख दूँगी करीब 1-2 घंटे के लिए। क्योंकि क्या है ना कि इनका कड़वापन जो अगर मुझे निकालना है तो इनको अच्छे से नमक लगा के रखना होगा कुछ देर तक। और छोटे छोटे पीसेस में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि अच्छे से गल जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस में अगर छोड़ देते फिर वो कच्चे कच्चे रह जाते, प्याज गल जाते। करीब 2 घंटे करीब हो गए हैं, अभी बज गए हैं करीब शाम के 5। तो फटाफट से मैं लग गई थी बनाने, तो थोड़ी देर में करेले बन जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैं फ्री हो जाऊंगी,
और अगर मुझे बाहर जाना है और नीचे भी जाना है, मतलब आज मैं ना गई भी नहीं छोटे वाले बाबू के पास ना, मैं गई भी नहीं और छोटे बेबी को मैंने लिया भी नहीं, खिलाया भी नहीं, क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी दोपहर में बच्चों को लाने में। यूजुअली उर्वी का रिक्शा आ जाता है ना, तो फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती लाने में ना, पूरा आधा पौना घंटा मेरा ही मतलब वेस्ट हो ही जाता है। फिर उसके बाद वही करेले और एंड ऑल दिस, तो इसी चक्कर में ना मैं रह गई थी, आज मैं गई नहीं। तो मैं बस फटाफट से करेले बना के मैं थोड़ी देर नीचे बैठने जाऊंगी और छोटे बेबी को आप सबको आज दिखाऊंगी बिल्कुल फेस टू फेस। तो और मैं आज उसका जेंडर भी रिलीव करने वाली हूँ, तो मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी हुआ क्या था और फेस भी आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक आप सबको दिखाया नहीं था ना। तो चलिए बस यहाँ पे फटाफट से मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई किया, फिर उसके बाद इनको निकाल दिया है। मैं इसमें करूँगी प्याज फ्राई, और प्याज जो है ना मैंने कट कर ली थी, करीब 7-8 प्याज थी, थोड़े मोटे मोटे मतलब मीडियम साइज़ के थे, और उनको अच्छे से मतलब कट कर लिया था। और अब जो है ना बस मैं यहाँ पे फटाफट से इनको फ्राई कर रही हूँ। प्याज भी मुझे इतनी फ्राई करनी है जितने मैंने करेले किए हैं, लेकिन उनसे थोड़ा कम करना है, क्योंकि करेले मैंने थोड़े ज़्यादा किए थे, ज़्यादा डीप ब्राउन मेरे को प्याज नहीं करनी, क्योंकि प्याज हो जाती है फिर कड़वी। अब देखिए इनका कलर बिल्कुल ठीक हो गया, तो मैं इनको निकाल देती हूँ। अब एज़ यूज़ुअल मैंने एक टमाटर काटा है, थोड़ी सी हरी मिर्ची काटी है, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल दोबारा से चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो कढ़ाई मैंने आज धोई नहीं है, वैसे मैंने पहले जब भी करेले बनाए ना तो मैं कढ़ाई को ना धो देती हूँ, मतलब करेले और प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद। लेकिन आज जो है ना मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ ही धो लूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची थी, वो मैंने चीर दी उनको, और फिर उसके बाद इसको तेल में तल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है, उसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्ची सारी चीज़ें एक साथ ऐड की हैं, और उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में जाएंगे नमक, मिर्च और सूखा धनिया। हल्दी इसमें स्किप करूंगी, क्योंकि करेले ऑलरेडी इतने कड़वे होते हैं, फिर हल्दी से उनको थोड़ा सा बैर है, मतलब कड़वे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं हल्दी कभी ऐड नहीं करती हूँ करेलों में। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसके साथ ही ऐड करूंगी इसमें आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर जो पहले हमेशा मैं बनने के बाद ऐड करती थी, लेकिन अब उसके बाद आज मैंने कुछ एक नई ट्रिक यूज़ की कि मैं पहले मसाले में ऐड कर देती हूँ, तो मसाले उससे क्या होगा कि मतलब करेले जो है ना कड़वे नहीं लगेंगे, मुझे भी बताया था किसी ने, तो बस वही है कि इसी वजह से मैंने ना आमचूर पाउडर अभी ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए, तो करीब 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दिया, और उसके बाद इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया, मतलब मसाले का कलर है ना हल्का हल्का ब्लैक शेड ले लिया उसने, और अब जो है ना बिल्कुल डार्क शेड का हो गया था मसाला। तो यही एक अलग सी चीज़ हुई कि मतलब मैंने पहले मसाले में ऐड कर दिया ना आमचूर पाउडर, तो बस यही एक चेंज आया। बाकी करेले खाने में बहुत टेस्टी लगे थे, अच्छे बने। तो बस अब ना मैं इसमें कोई पानी ऐड करूंगी, और कुछ इसी तरीके से इनको पकाऊंगी ढक के कुछ देर तक, और उसके बाद करेले बनके रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं। अब मैं आ गई थी नीचे, और ये देखिए ये है हमारा बेबी और सोया हुआ है। दीदी आई थी बड़ी वाली, और बार बार आंखें खोल के ना मतलब देख रहा था कि कौन कौन मुझसे मिलने आया है। और बेबी मतलब अभी कभी कभी हंसता है, जैसे अभी सोया हुआ है ना, तो सोते सोते कहते हैं हमारे यहाँ पे, ये बोलते हैं कि बह माता हंसाती है, तो जी देखो हंसता है बार बार। तो दीदी आई थी, मैं भी आवाज़ सुन के आ गई, दीदी ने आवाज़ भी लगा ली, बड़ी वाली दीदी लेके बैठी थी, इसको देखो हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है, और बड़ा ही क्यूट लगता है जब हंसता है ना, बहुत क्यूट। तो जी ये है बेबी बॉय, और पहले है इसको बेटी छोटी वाली देवरानी को, और अब जो है ना बेटा हुआ है। तो इनकी फैमिली जो है ना कंप्लीट हो चुकी है, अब वो बेटा हुआ था इनको अभी, मतलब कल छठी पूजी है, आप सबको दिखाया ही था मैंने वीडियो में। तो अब जो है ना आज ये 7 दिन का हो गया है, और मतलब गर्मी, अब आज मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो हमने इनके कम्बल वगैरह सब निकाल दिए। तो हम लोग जो है ना करीब 2 घंटे करीब यहाँ बैठे, फिर मैं भी चली गई थी ऊपर। तो जी अभी मैं आ गई ऊपर, और उर्वी को नहीं खाने थे करेले, तो उसकी चाची ने बनाई थी दाल, मतलब कोमल के लिए दाल ही बनती है हमारे यहाँ पे, जब भी जापा वगैरह होता है तो बस उसमें दाल वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो बस इसको करेले नहीं खाने थे। देखो मुंह बना रही है, काव्या को भी नहीं खाने थे। तो इन्होंने क्या किया, ये दाल लेकर आए, मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ इनके लिए सेक दी, और ये लोग जो है ना खाएंगे दाल से। तो मैंने तो खाई थी करेले से, और इसके पापा जी ने भी खाई थी करेले से, लेकिन इन्होंने को नहीं खानी थी, तो इन्होंने अपनी दाल से खाई। तो ये जा रहे थे खाने, और हम सब ने खाई थी करेले से रोटी।
अब ये जो है ना, मैं नेक्स्ट डे आप सबको मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब आज का दिन फ्राइडे का, और यहाँ पे जो है ना मैंने पास्ता बॉईल किया है सुबह सुबह। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, करेले जो है ना हमारे 2 दिन चल जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो अब उनके टिफ़िन के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो रखना ही था, तो मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था सुबह उठते ही। तो पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है, उसके लिए मैंने तैयारियां भी सारी कर ली हैं, यहाँ पे टमाटर हरी मिर्ची सारी काट दी हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए हम पास्ता छोंक देते हैं, क्योंकि फटाफट से मुझे बनाना है और बच्चों को भेजना है स्कूल। पास्ता बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, यहाँ पे प्याज फ्राई किया था, उसके बाद टमाटर ऐड किए हैं, उसके बाद हरी मिर्ची और 2 से 3 बस, उसके बाद जो है ना मसाला अच्छे से भूना, फिर वही नमक मिर्च हल्दी डाली। तो आज एक चीज़ मैंने इसमें नहीं की है, मैंने इसमें सॉस नहीं डाली है, तो सॉस जो है ना एक तो थी नहीं, दूसरी बात मैं भूल गई थी सॉस डालनी, अब मुझे याद नहीं आया था कि इसमें सॉस भी पड़ती है, लेकिन सॉस का ना कुछ मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ा उसके ना होने का, तो बच्चों ने ना इजीली खा लिया और बच्चों को याद भी नहीं आया कि मैंने इसमें सॉस ऐड नहीं किया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपके बच्चे जो है ना पेट भर के खा लेते हैं तो वो बात एक अलग है, बाकी ये है कि अगर आप चाहें तो आप सॉस ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप घर के तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए मैंने इसको बॉयल भी बहुत अच्छे से किया है, फटाफटा सा भी हो गया था ये अच्छे तरीके से, तो मैंने बहुत अच्छे से बॉईल किया था। देखिए ये मैदा की चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बच्चों को दिक्कत ना दे इसी वजह से कभी कभार के लिए ठीक है, और अच्छे से बॉईल होना चाहिए, तो इसीलिए ना मैंने बहुत देर तक ये बॉईल किया था। इवन मैं उठी थी ना सुबह उठते के साथ ही मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है, वॉशरूम वगैरह गई हूँ, और जो भी है मतलब टमाटर कट वगैरह किए हैं, चाय नाश्ता बनाया है। तो चलिए इनके टिफ़िन में लगा देते हैं पास्ता, और दोनों टिफ़िन लगा दिए हैं मैंने, उर्वी और काव्या के। तो धैर्या स्कूल शायद जाएगा भी नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कल रात को ये गिर गया था और बाइक से ना इसको चोट लग गई है, और इसके घुटने में चोट लग गई है, देखो आज खड़ा है ना तो खड़ा ही रहेगा, बैठा भी नहीं जा रहा था इससे। मैंने इसको नहला तो दिया लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि स्कूल नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको नहलाया और घर के कपड़े पहनाए, उसके थोड़ी देर बाद ही ना मतलब जैसे ही इसको लगा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो ये घूमने फिरने लग गया, तो बस मुझे इतना ही बहुत था, तो मैंने फटाफट से इसको स्कूल ड्रेस पहनाए और फटाफट से इसको स्कूल भेज दिया। देखिए बच्चों के भविष्य की बात है, और मुश्किल से 2 घंटे इसको स्कूल जाना था क्योंकि आज ओरल पेपर था इसका, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ सेफ रहेगा। तो जी बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था, अब ये दोपहर का टाइम हो गया है, मेरा सारा काम खत्म हो गया है और ये भी आ गया है स्कूल से, और अब देखो कितना खुश है, लेकिन पैर जो है ना इसमें चोट है, ये उठ नहीं रहा है, तो मैं इसको दवाई उधर से उधर ही दिलवा लाई थी। उर्वी आ गई है, काव्या नहीं आई है अभी, काव्या आएगी 12:30। तो मैंने सुबह कपड़े धोए थे और उन कपड़ों को मुझे यहीं पर डालना पड़ा मौसम की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए।